हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट का रिव्यू करने वाली हूँ, जो कि है न्यूड ब्रांड का हेयर रिमूवर स्प्रे। और इसको मैंने परचेज़ किया था नायका से, और मेरी एक सब्सक्राइबर है जो कि मुझे बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रही थी कि दी प्लीज़ इस स्प्रे का रिव्यू करिए कि ये जेन्युइन है, मतलब यूज़फुल है कि नहीं है। तो मैं काफ़ी टाइम से इनको डिले कर रही थी, बट फाइनली मैंने इसको परचेज़ कर लिया है। और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि ये सच में यूज़फुल है कि नहीं है। तो ओपन करने के बाद ये कुछ आपको ऐसे स्प्रे फॉर्म में मिलता है। आपने काफ़ी सारे हेयर रिमूवर क्रीम देखी होंगी, हेयर रिमूवर सॉप देखी होगी, और भी बहुत कुछ देखा होगा, बट इस तरह से ना ऐसे स्प्रे फॉर्म में मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा। और लेट्स से कि कितना वर्क करता है। और ये जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ना, इसमें 100 ml का ये प्रोडक्ट है, और इसका जो प्राइस है ये है 290 rupees, बट मैंने 30% के डिस्काउंट पे परचेज़ किया। और इसके पीछे यहाँ पे सारे इसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं, काफ़ी सारे नेचुरल हैं, जैसे नीम है, एलोवेरा है, और ये जोजोब ऑयल है, लेमन ऑयल है, सनफ्लावर सीड है, तो काफ़ी नेचुरल है, ऐसा कुछ हार्म तो नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट लेट्स सी कि किस तरह से काम करता है। तो आप देख लीजिए, मेरे हेयर ये हाथ है, तो हैंड पे ही मैं कर रही हूँ, और हैंड वॉश मैंने कर लिया था। और आप देखेंगे तो मेरे हाथ पे ना बहुत ज़्यादा हेयर नहीं है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने वैक्स करी थी, बट फिर भी हेयर मेरा इतने ही आते हैं चाहे कितना भी मैं टाइम करूं। और देखो, ये इस तरह से ना स्प्रे फॉर्म में निकलता है, फिर उसको आपको ऐसे रब करना है स्किन पे, मतलब जहां भी आपको हेयर रिमूव करने हैं ऐसे रब करना है, फिर 10 से 15 मिनट आपको रखना है, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। बट मैंने ना इसको सच बताऊँ 20 to 25 मिनट रखा। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था शायद अभी इतना कुछ खास वर्क नहीं कर रहा। और हाँ, जब इसे लगाएंगे ना तो थोड़ी ऐसी ईचिंग सेंसेशन जैसी होगी, ईचिंग जैसी मुझे ऐसे लग रही थी, और स्मेल इसकी बिल्कुल ऐसी थी जैसे एक हेयर रिमूवर क्रीम की स्मेल होती है ना, बिल्कुल वैसे की वैसे ही थी। और हाथ में मुझे थोड़ी सी झंझनाहट जैसी लग रही थी, मन कर रहा था कि हटा दूँ, बट मैंने इसको रखा। और 20-25 मिनट के बाद ना मैंने इसमें ऐसे रब किया, तो हल्के हल्के से हेयर ऐसे रिमूव हो रहे थे, बहुत ज़्यादा एकदम से नहीं हुए। जैसे क्रीम लगाने के बाद हम हटाते तो पूरी तरह से हो जाता ना, तो इसने मुझे थोड़ा सा टाइम लिया, आई डोंट नो वाई क्यों इतना, जबकि वीडियो में दिखा रहे थे कि 10 से 15 मिनट में हो जाता है, जबकि मैंने इसको 25 मिनट तक रखा। और देखेंगे तो बहुत कस के जब मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, तब जाके इस तरह से ये हेयर को निकाल रहा था। आप देख सकते हैं टिश्यू में कितने सारे हेयर आ गए हैं। और निकालने के बाद ना हाथ में काफ़ी अच्छी शाइन आ गई थी, ये तो था कि हाँ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे, मतलब स्किन शाइन कर रही थी एंड काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो गई थी स्किन। तो मैंने ऐसे रगड़ के ना बहुत अच्छे से उसको निकाला, बट मैं शायद वो 10 मिनट उसको रखती तो बहुत अच्छे से निकालता, बट 25 मिनट बहुत ज़्यादा होते हैं। और हाथ पे तो चलो इसने ठीक से काम कर लिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेयर तो नहीं थे, मतलब पतले थे हेयर हाथ के। बट इसके बाद मैं आपको पैरों में करके दिखाऊंगी, मेरे पैरों की ग्रोथ बहुत ज़्यादा आई हुई है, और काफ़ी टाइम से मैंने वैक्स नहीं कराया। एक्चुअली मेरे को बेबी हुआ था तो मैंने उसके पहले ही कभी कराई थी, तो साल भर से तो मैंने नहीं कराया। तो लेट्स सी उसमें किस तरह से काम करता है। तो देखो, इस तरह से रगड़ने पर ना वो बाल निकल रहे थे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाने के बाद। और देख लो, हाथ तो काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो गए, हाथ उससे रिमूव हो गया था नो डाउट। अगर आपकी इस तरह से कोई ग्रोथ है ना, तो ये काफ़ी अच्छे से निकाल देगा। और क्रीम में क्या होता है ना, क्रीम में आपको हाथों को ऐसे रखना पड़ता है, चार लोग देखेंगे तो समझ जाते हैं कि हाथ पे कुछ लगाया है क्रीम हेयर रिमूवर, बट ये ऑयल जैसा है ना, आप इसको लगा के कहीं भी बैठ जाएंगे, पब्लिक प्लेस में भी, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, ये फ़ायदा है बस इसका। और देख लो, ये वाला हाथ कितना फेयर लग रहा है, साफ़ लग रहा है, और जो मेरा दूसरा वाला हाथ था वो कितना टैन लग रहा है। तो हाथों से तो काफ़ी अच्छे से क्लीन कर दिया था, है ना। इसका देखो यही फ़ायदा है कि आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, आप किसी पब्लिक प्लेस में चले जाएं, या आप बहुत जल्दी में हैं, आपको कहीं जाना है, आपने वैक्स नहीं करवाई, तो आप ट्रैवलिंग करते करते भी ये लगा लेंगे और हाथों को किसी चीज़ से पोंछ देंगे, तो उसमें काफ़ी अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं टेस्ट लूँगी पैरों पर, आप पैरों की मेरी ग्रोथ देख लीजिए कितनी ज़्यादा है। तो यहाँ पे अभी मैं करूँगी स्प्रे, तो ये है स्प्रे। और देखो, इस तरह से स्प्रे करना है, पहले ना उसको शेक कर लेना है, उस बॉटल को शेक करने के बाद ही आपको एप्लीकेशन करना है। इस तरह से निकलते हैं जैसे सीरम या फिर हम टोनर लगाते हैं ना फेस पे, बिल्कुल उसी के जैसा है। और ये
थोड़ा ऑयल ऑयल जैसा लगता है एप्लीकेशन के बाद। तो इस तरह से देखो ऐसे रब करना है, 2-3-4 मिनट आप ऐसे रब करिए, रब करने के बाद छोड़ देना है इस तरह से। और अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, अगर मुझे मिलता है तो आप वहाँ से परचेज़ कर लेना। अमेज़ॉन वगैरह पे भी होगा, काफ़ी सारी साइट पे होगा ये वाला प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो यहाँ मुझे लग रहे थे कि हेयर बहुत सॉफ्ट हो गया, निकाल दो, और सच बताऊँ मैंने 25 मिनट से भी ज़्यादा रखा था, मैं थक गई थी इसको बैठे बैठे। और मैं जब इसको रब करने लगे टिश्यू से तो सच बताऊँ तो एक भी हेयर नहीं निकला, हेयर सॉफ्ट हो गए थे, जैसे एक होता है ना एकदम नरम हो गए थे बाल, बट वो निकल करके नहीं आया। फिर मैंने टॉवल लिया, टॉवल से मैंने बहुत अच्छे से रब किया, बट वो फिर भी एक हेयर जैसे बोलते हैं ना, एक हेयर भी नहीं निकला, ये देखो बिल्कुल भी नहीं निकला। फिर मैंने हाथ से ऐसे खींच के देखा ना, तो वो खींचने पे मुझे दर्द तो हो रहा था बट वो निकल रहे थे बाल खींचने पर। मे भी हो सकता है 10 मिनट और रखती शायद तो काम करता, बट 25 मिनट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इससे अच्छा तो हम वैक्स करा लें। वैक्स भी है ना गए 10 मिनट, 10 से 15 मिनट के अंदर में आराम से हो जाती है, तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा था। वैसे तो चीज़ सही है बट मुझे हाथों में सही लगा, पैरों में उतने अच्छे से, मेरे पैरों में तो इतने अच्छे से काम नहीं किया, और देखो हाथों में कितने अच्छे से काम किया, टैनिंग भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गई थी, हाथ शाइन कर रहे थे, और बट थोड़ी सी इचिंग मुझे काफ़ी देर तक हुई बट उसके बाद में नॉर्मल हो गया। आप इसके बाद ना ठंडे पानी से हाथ धो लें तो आपको अच्छे से रिलैक्स मिलेगा, तो हाथों के लिए बेस्ट था बट पैरों के लिए मुझे उतना नहीं लगा। और आपके हाथों पे भी अगर ज़्यादा हार्ड ग्रोथ हो गई तो मे बी और ज़्यादा टाइम लगे। तो अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर फिर भी आप प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।